विशानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं सचिवालय सहायक के संबंध में कुछ विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। सचिवालय सहायक का परीक्षा तिथि 26 एवं 27 नवंबर है। इसमें लगभग 9 लाख के आसपास छात्रों ने फॉर्म भरा है। उसी के अनुसार परीक्षा 26-27 नवंबर को होने वाला है। अब आप देखिए, इसमें चार विषय से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित से 25 प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग, ये रीजनिंग से 50 और सामान्य अध्ययन से 50। इसको दो भाग में बांटिए। सामान्य अध्ययन में ये सब्जेक्ट विषय जो है विज्ञान भी आ जाता है, तो मोटा मोटी 75 सवाल सामान्य अध्ययन से, 25 गणित से और 50 रीजनिंग से। इसको तीन भागों में विभाजित कीजिए। इस सवाल को 25 प्रश्न गणित से रहेंगे, 25 प्रश्न विज्ञान से रहेंगे, 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन से रहेंगे। तो अमूमन सामान्य अध्ययन से मैं विज्ञान सभी लोग पढ़ते हैं, सभी छात्र पढ़ते हैं। सामान्य अध्ययन और विज्ञान को ये निश्चित तौर पर के एक ही सब्जेक्ट माना जाए और जिसका नंबर है 75 नंबर। मैं आपको बता दूं कि ये परीक्षा बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। इसका पे लेवल 7 है। जो सचिवालय सहायक हैं वो आज के डेट में जो नया वीडियो बनते हैं उनका भी पे लेवल 7 है और सचिवालय सहायक का भी पे लेवल 7 है। तो इसको देखिए कि कैसा है। ये पे लेवल का 7 का है, जिसमें लगभग आपको ज्वाइनिंग के से ही 70,000 रुपये वेतन मिलेंगे। सारा चीज़ काट छांट के आपके हैंड में 70,000 मिलेंगे। तो आप इसको, आप बहुत कम समय है क्योंकि 26-27 नवंबर को है, तो इसको देखते हुए आप तैयारी तो कर ही रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सामान्य अध्ययन में ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दोनों हैं, इसको सामान्य अध्ययन ही कहा जाता है। इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, घटनाचक्र यानी करंट अफेयर्स सारे लोग पढ़ते ही हैं। गणित और रीजनिंग, गणित अमूमन जो तैयारी करने वाले हैं वो गणित सामान्य गणित ही रहेंगे। गणित कोई ऐसा टफ रहता नहीं है, जो अमूमन सब परीक्षा में रहता है। लगभग 8वां से 10वां तक के गणित रहेंगे, उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका रीजनिंग। ये रीजनिंग में जो छात्र इसमें बनना चाहिए, अगर 45 में इसमें बन जाता है, 45 भी सही, तो ऐसा लगता है कि 45 अगर ये बन जाता है तो हमारे समझ से श्योर होना चाहिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं
जो अभी शुरुआत किए हैं उनके लिए तो बहुत कठिनाई है, लेकिन जो 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और लगातार जो विज्ञान पढ़ रहे हैं, सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं, तो सामान्य अध्ययन में अमूमन इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स ये सब देखिए। अब हम आपको बताते हैं, ये 3 महापुरुषों का है, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। ये बिहार के हर परीक्षा का ये सिलेबस है, ये तीनों। इसमें कुछ न कुछ प्रश्न पूछे ही जाएंगे, श्योर है, हर परीक्षा में पूछा जाता है ये तीनों से। तो ये परीक्षा और अन्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये तीनों महापुरुषों का आप बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। देखिए, कंपटीशन है, कंपटीशन में एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ये 3 महापुरुष जो बिहार सरकार के सिलेबस में है, तो इनको बढ़िया से देख लीजिएगा। अब रह गया, अब टाइम तो आपको बहुत कम है, गणित में 25 प्रश्न जो रहेंगे, इस 25 प्रश्न को भी अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। यानी कहने का मतलब है, गणित में कुछ सरलीकरण है, उसके बाद आपको मूलधन ये सब जो है, व्यवसायिक गणित पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अमूमन व्यवसायिक गणित से ही पूछते हैं, ज़्यादा सवाल इधर उधर से पूछने की संभावना नहीं है। व्यवसायिक जो देख लीजिए, जो 8वां से लेकर के 10वां तक है, उसी से सवाल आते हैं। तो ये गणित हो गया, रीजनिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। उसके बाद सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन में इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था। तो ये तीनों जो है, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, इससे जितना प्रश्न आएंगे, लगभग इतना प्रश्न अकेले इतिहास से आता है। बीपीएससी में भी देखिए, इतिहास से 35 से 40 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। आप नए हो तो गत ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए। तो आपको हर परीक्षा की तैयारी के लिए, हर कंपटीशन की तैयारी के लिए आपको इतिहास को मजबूत करना पड़ेगा। सबसे पहला फोकस इतिहास, और ये संविधान जो है, इसको कम भी पढ़िएगा तो हो जाएगा, क्योंकि संविधान का सिलेबस छोटा है, इतिहास बड़ा है। बाद बाकी भूगोल, अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था में जो करेंट अर्थव्यवस्था का जो रहता है, आप जो करेंट अफेयर्स लीजिए उसका किताब, उसमें जो मूल सूचकांक आगे पीछे जो घटते बढ़ते रहता है, उससे देगा। कुछ अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन उसमें रहता है, करंट अफेयर्स की किताब में, तो अमूमन उसी से देता है। तो इस तरह से, उसके बाद समान घटना चक्र पर आपको विशेष ध्यान देना है। समान घटना चक्र पर अगर पूरा कमांड नहीं रहेगा तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप समान घटना चक्र पर ध्यान दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि सचिवालय सहायक को मिनी आईएएस कहा जाता है। सचिवालय सहायक जो होते हैं, वो हर एक डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी यहीं से होता है, और जो भी मंत्री हैं, नेता हैं, सारा का कार्यों का क्रियान्वयन सचिवालय से ही होता है। यानी बिहार सरकार का सारे कार्य सचिवालय से ही शुरू होते हैं। तो वहाँ पे ड्यूटी करना अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा। जब आपकी नौकरी होगी सचिवालय सहायक में, तो देखिएगा कि कैसा रहता है, हर विभाग का सब कुछ का क्रियान्वयन सचिवालय से ही होता है। बिहार सरकार का यही मेन ऑफिस है सचिवालय सहायक, जिससे बिहार सरकार का हर कार्य योजना सचिवालय से ही संचालित होता है।
इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मिनी आईएएस का पद और को जाने मत दीजिए, इसको करे ढंग से लग करके अभी एक महीना से ऊपर है, तो एक महीना से ऊपर अभी टाइम है, इतना दिन भी पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ा हुआ तो पहले ही से है, जो छात्र 2 साल 3 साल से कर रहे हैं उनको पहले से पढ़ा हुआ, लेकिन अभी रिवाइज करने का टाइम है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो गणित है, गणित को कम से कम प्रत्येक दिन 2 घंटा दीजिए, कम से कम 2 घंटा, और ये विज्ञान और ये सामान्य अध्ययन इसको मिला करके आपको इसी में टोटल आपका जीएस हो जाता है, जीके जीएस सब इसी में है, इसलिए इसको कम से कम 6 घंटा देना पड़ेगा, 6 घंटा की पढ़ाई इससे कीजिए। मैं जान रहा हूँ कि लड़का 15 घंटा 18 घंटा 12 घंटा जिसका जितना स्टेमिना काम करता है उसके अनुसार जी जान लगाए हुए है, तो आप भी इसमें जी जान लगाइए। ये 3 महापुरुष इसके सिलेबस में है, इन 3 महापुरुष के बारे में ठीक ठाक से देख लीजिएगा, और आप ये 3 जो विषय है, विज्ञान जीके जीएस जो हो गया 75 नंबर का है, रीजनिंग है फिर, और गणित 75 का है, तो गणित और ये इस पर भी इतना भी कीजिएगा तो मेरे समझ से काम हो जाना चाहिए, परीक्षा पास कर जाइए। और दोनों परीक्षा में सेम सब्जेक्ट है, P2 मेंस में दोनों में सेम है, इसलिए इस पर फोकस कीजिए, और आपका टोटल पढ़ाई कम से कम अब आज के डेट में 24 घंटा का जो दिन रात होता है, 24 घंटे का जो दिन रात है उसमें आप 6 घंटा से ज़्यादा मत सोइए, आराम करना है आपको 6 घंटा, बाद बाकी 18 घंटा में और कुछ काम 1-2 घंटा हो सकता है, नहाना खाना पीना वगैरह वगैरह काम होते हैं कुछ घर में भी, ये 6 घंटा काट करके 18 घंटा में आप कम से कम 14 घंटा इस पर जरूर लगाइए, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कंपटीशन को, लड़का को भी मैं देख रहा हूँ, अलग बलग आजू बाजू में जो भी लड़का किया है तैयारी, घनघोर तपस्या किया है, जिसको घनघोर तपस्या कहते हैं वो किया है और लोग कर रहा है, इसलिए आप लोग भी लग जाइए, बहुत टफ चीज़ें हैं, थोड़ा सा टफ आपको बुझाएगा ये गणित, अगर आज जो लड़का गणित पढ़े हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बाद बाकी और ये भी तो सामान्य अध्ययन में सारे लोग तो गणित की तैयारी करते हैं, इसलिए आप लोग लग जाइए ये टाइम के साथ, कम से कम आप पढ़ाई 14 घंटा कीजिए, अभी आपको 1 महीना से ऊपर समय है, इसलिए मैं आप लोगों से ईश्वर से कामना करता हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़िए, सिस्टम के साथ पढ़िए, जब तक कोई आदमी सिस्टम से काम नहीं करता है, बिना सिस्टम के किसी को सफलता नहीं मिला है, तो आप भी सिस्टम के साथ पढ़िए, टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़िए, और पढ़ने के लिए मैं एक आईएएस का इंटरव्यू देख रहा था, जो आईएएस कर गए थे उसमें वो बता रहे थे, आईएएस महोदय, कि वो लगभग हर 1-2 घंटे के बाद, उनका कहना था कि मैं डेली लगभग 18 घंटा पढ़ता था, 18 घंटा में हर 1-2 घंटा के बाद कुछ कुछ हल्का चाय पानी ब्रेकफास्ट वो लिया करते थे, और ऐसा नहीं करना है कि 18 घंटा में लगातार 18 घंटा हम बैठे रह जाएं, अगर बैठल रह जाएगा तो सब गोर हाथ धर लेगा, इसलिए कुछ कुछ दूर देरी के बाद 2-3 घंटा के बाद 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा आपको रेस्ट लेना चाहिए। हर आदमी का ब्रेन है जो बराबर लगातार 18 घंटा किसी का काम नहीं करेगा, तो 2-3 घंटा 4 घंटा के बाद आपको कुछ रेस्ट भी लेना है। मैं उस आईएएस महोदय का इंटरव्यू बहुत अच्छे ढंग से देखा हूँ,
तो आप लोग भी उसी तरह से तैयारी कीजिए। हर 3 घंटा 4 घंटा 2 घंटा के बाद कुछ न कुछ, कभी चाय ले लीजिए, कभी कुछ नाश्ता ले लीजिए, कभी पानी पी लीजिए, कुछ उठ करके टहल लीजिए, कभी खड़े खड़े पढ़िए। ऐसा नहीं करना है कि बैठ करके ही दिन रात लगल रहना है। तो इसी शब्दों के साथ आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।